फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो है यूटीएल चार्जर का बोर्ड रखा हुआ है, किसका डिस्प्ले है ये हमारे पास ये। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं इसका काम करने का जो तरीका है वो क्या है, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ वीडियो में। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको ऑन होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिससे कि ये पता चल के इसमें खराबी क्या है। तो आइए इसको रिपेयर करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका काम कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। तो वही मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को रिपेयरिंग में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोर्ड है हमारा, और इस बोर्ड में देखिए यहाँ पे हमें ये लाल और काला दो तरह के तार है यहाँ पे। इन वायर से जो है हमें बैटरी का इनपुट मिलता है। तो जैसे ही इन तारों से इसे अपने रिक्शा में इन करते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पे ये डिस्प्ले में लाइट आ जाता है और ये डिस्प्ले में हमें वोल्टेज बताने लगता है, बैटरी का कितना परसेंट कितना वोल्टेज हमारे बैटरी में है वो सब कुछ इसे यहाँ पे बताने लगता है। तो यदि आपके पास रिपेयर के लिए चार्जर आता है और ये आपको बैटरी में इसको इन करते हैं लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आता है, तब आपको क्या चेक करना है। तो आपको सबसे पहले तो मैं इस डिस्प्ले को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने ये डिस्प्ले को जो है बाहर कर दिया यहाँ से। अभी देखिए यहाँ पे तो ये हमारा बैटरी का वायर है, और ये बैटरी का वायर देखिए हमारा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस यानी पॉजिटिव और ये नेगेटिव पे लगा हुआ है। और इधर से आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव वाला ये रेड वाला वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें ये फ्यूज़ लगा हुआ है। इस फ्यूज़ के थ्रू जो है यहाँ पे हमें सप्लाई मिलता है 48 वोल्ट का। ये 48 वोल्ट यहाँ पे देखिए एक हमारा डायोड लगा है, ये डायोड फ्रेंड्स यहाँ पे तो असेंबली में लगा हुआ है। यदि ये नहीं मिल पाता है आपको तो यहाँ पे आप IN 4007 का भी यूज कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हमें 48 वोल्ट का इन होता है तो इस डायोड के माध्यम से इस साइड को आता है। ये हमारा जो है यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये यहाँ पे सॉकेट बना हुआ है जो ये हमारा सेंस करने के लिए होता है कि हमारा बैटरी यहाँ पे बैटरी का सप्लाई हमारा आ चुका है। तो ये सेंस करता है जो वो इसके बोर्ड पे जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे जाता है। ये LED हमारा ये रेड वाला ये ग्लू कर देता है जब ये बैटरी यहाँ से सप्लाई हमारा ऑन हो जाता है, तो उसके लिए होता है। और फिर यहाँ पे यदि डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ से ये हमारा प्रिंट गया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3.3K का, ओ सॉरी 33K का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और एक ये डायोड देखिए लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, देखिए ये डायोड जो लगा है इस डायोड के माध्यम से 48 वोल्ट इधर से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायोड था, और ये डायोड का ये प्रिंट को आप देखते हुए जब जाएंगे तो ये प्रिंट हमारा आकर के वहाँ से ये आ चुका है यहाँ पे हमारे। देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा सा ड्राइवर, ये देखिए ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो हमारा लगा है इसको जाता है प्राइमरी में इसके, और इस प्राइमरी में जो है देखिए ये यहाँ ये वाली लाइन पे आता है इस डायोड के थ्रू। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 48 वोल्ट का चेक करना है, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ आ रहा है तो फिर इस डायोड के इस पार भी चेक करना है, इस पार आ रहा है तो आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आ रहा तो इसके ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है हमारी उससे आउट होकर के ये यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं, देखिए ये हमारे यहाँ पे एक IRF 640N का MOSFET लगा होता है। इसके ड्रेन पे हमें आता है यहाँ से 48 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें 48 वोल्ट मिलना चाहिए। अभी यहाँ तो 48 वोल्ट हमें मिल जाएगा, लेकिन जो ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ यहाँ पे ड्राइवर वाला, देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर, इस पर कई सारी वाइंडिंग हमारी जो है सेकेंडरी में होती हैं, जिनके द्वारा हमें 12 वोल्ट 15 वोल्ट और 25 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से आउट कराता है। इस ट्रांसफार्मर की जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं उसमें से तो जो 25 वोल्ट होता है वो हमारा यहाँ पे जो रिले लगी हैं रिले को ऑन करने के लिए लगाया जाता है। और 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3845B का एक IC लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हमारा 3845B का ये IC लगा हुआ है, जो कि इस MOSFET के गेट को ऑन कराता है, स्विचिंग कराता है, जिसकी वजह से ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी में वाइंडिंग है वहाँ पे सप्लाई आउट होता है। तो इसको ऑन कराने के लिए, IC को ऑन कराने के लिए यहाँ पे देखिए एक डायोड यहाँ पे लगाया गया है। इस डायोड के थ्रू जो है यहाँ सप्लाई यहाँ पे आता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमारा लगा होता है, तो इस IC को सप्लाई देता है ऑन होने के लिए। जब ये IC हमारा ऑन होता है तो इस MOSFET पे जो है गेट को ऑन करता है, और जब ये गेट को ऑन करता है तो आपको यहाँ पे पल्स चेक करना है। इसमें यहाँ पे जब हमारा ये MOSFET ना लगा हो उस समय यहाँ पे 1 वोल्ट करीब होना चाहिए, और MOSFET लगे होने के बाद जो है यहाँ पे 0.6 से 0.7 ऐसे वोल्टेज हमारा होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा यदि ये वोल्टेज आ रहा है इसके गेट पे 0.6, तो हमारा ये जो IC लगा हुआ है ये सही वर्क कर रहा है, और IC के सही काम करने की वजह से हमारा यहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पे वोल्टेज हमें आउट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक डायोड लगा हुआ, इस डायोड के थ्रू इस IC को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। और एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ देखिए, इस डायोड के थ्रू जो है हमें यहाँ पे 25 वोल्ट का सप्लाई मिलता है, जो कि इन रिले को ऑन करने के लिए एक रिले यहाँ पे होता है, एक रिले यहाँ पे होता है। AC और DC दोनों में रिले हमारा लगा होता है, तो इनको ऑन करने के लिए ये 25 वोल्ट निकलता है। और एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ देखिए, ये डायोड जो है हमें 15 वोल्ट का आउटपुट देता है। जो ये 15 वोल्ट का आउटपुट है ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 7805 का एक यहाँ पे IC लगा हुआ है ये, तो ये हमें जो है 15 वोल्ट का सप्लाई इसके एक पिन वाले में जाएगा और आउट यहाँ से 5 वोल्ट का होगा। ये 5 वोल्ट जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स, ये 5 वोल्ट सप्लाई हमारे इस पैनल को जाती है, जिसके द्वारा ये पैनल हमारा ऑन होता है और यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है। तो आपको यहाँ पे 15 वोल्ट चेक करना है और इधर 5 वोल्ट चेक करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स ये 15 वोल्ट जो हमारा सप्लाई यहाँ होता है, यही सप्लाई हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ से होकर के ये हमारा एक IC लगा है 3525 SG 3525 IC यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि मॉड्यूलेटर IC है, जो इन MOSFET को ऑन कराने के लिए काम करता है। तो आपका यहाँ भी हमें 15 वोल्ट मिलना चाहिए। यदि ये सप्लाई आपका ख़राब हो जाता है तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ पे सारे ये वोल्टेज हमारे बनने चाहिए 12 वोल्ट 15 वोल्ट और यहाँ पे 25 वोल्ट। ये सारा हमारा वोल्टेज यहाँ पे बनना चाहिए विदाउट एसी को इन किए, यानी कि जब तक हम बिजली नहीं लगाएं उसके बाद भी हमारा यहाँ पे इतना सप्लाई बनना चाहिए। ये इतना बन रहा है तो हमारा ये चार्जर ऑन हो सकता है, यदि हमारा एसी साइड में कुछ खराबी ना हो तब, जैसे कि मॉसफेट ना ख़राब हो तो ये हमारा चार्जर ऑन होगा। तो सबसे ज़्यादा शिकायत फ्रेंड्स यहाँ पे आती है कि डीसी सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से जो डीसी सेक्शन होता है हमारा ये सारा आउटपुट जो भी निकलता है सबसे ज़्यादा खराबियाँ हमें यहीं पे मिलती हैं। तो आपको सिंपल सा हमने बता दिया है कि यदि आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हमें सप्लाई को ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए आपको ये मॉसफेट काम करेगा और ये 3845 जो आईसी लगा हुआ है हमारा ये काम करेगा। उसके बाद हमारे जो ये 15 वोल्ट की सप्लाई है वो इस आईसी में जाएगी 7805 को, तो यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई आउट होना चाहिए तब जा कर के ये हमारा डिस्प्ले ऑन होगा। यदि इतना सब कुछ हमने चेक कर लिया तो लगभग चार्जर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। बाकी फ्रेंड्स मेरे पास कोई चार्जर रिपेयर होने के लिए आएगा तो मैं उस पर आपको प्रैक्टिकल करके भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।